Hello everyone, welcome to Triple IT Skills. Today's our topic is on basic of accounts. मतलब basic of accounts का जो part है already हम लोगों ने 3 part इसका ऊपर बना दिया है, ठीक है। अभी ये जो part है चौथा वाला part है, तो third part में जो कुछ मैंने study पढ़ाया था आप लोगों को, तो उस basic accounting terms था, तो उसका ही अभी उसका next part है basic of accounts का। तो उस पर हमने last में discuss किया था आपको लेके, परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या होता है? परचेज रिटर्न मतलब परचेज करने के बाद अगर आपने रिटर्न कर दिया तो उसे परचेज रिटर्न बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ परचेज किया, फिर मुझे कुछ भी फॉल्ट लगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के अंदर, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया, तो उसे परचेस रिटर्न बोला जाता है, या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। इसका भी एंट्री आपका टेली में होता है। फिर आपके पास आ गया स्टॉक, क्या आ गया हम लोग के पास? स्टॉक। स्टॉक मतलब स्टॉक या फिर उसको इन्वेंटरी भी बोलते हैं। आप कुछ भी गुड्स खरीदते हैं, आपका गोडाउन में रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर आपका दुकान में रखा हुआ है वो क्या है? स्टॉक। स्टॉक दो टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? मतलब इस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीदा, फिर सेल किया, फिर लास्ट में आपका एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग आपको क्या हो गया? कुछ गुड्स आपके पास रह चुका है, तो ये क्या होगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आपको समझ में आ गया। फिर आ गया सेल्स। सेल्स मतलब क्या है? कुछ भी चीज हम सेल कर सकते हैं, कुछ भी गुड्स हम लोग सेल करते हैं अपने कस्टमर को, वो क्या है? उसे ही हम लोग सेल करते हैं। सेल मतलब क्या है? सेल करना और कुछ नहीं, कोई भी चीज हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका दुकान में कुछ भी रखा हो इसको सेल कर, वही सेल। तो सेल फिर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, जैसे परचेज 3 टाइप्स का होता है, सेल भी 3 टाइप्स का होता है। मतलब 3 टाइप्स का नेचर में हम लोग कर सकते हैं। एक तो होता है कैश सेल्स, मतलब कैश से हम लोग सेल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैश सेल्स। और दूसरा होता है चेक से हम लोग कर सकते हैं, या फिर UPI से कर सकते हैं। मतलब गुड्स क्या हुआ, कैश सेल में क्या होता है? पैसा लिया और गुड्स दे दिया, ठीक है, वो हो गया एक टाइप ऑफ सेल। दूसरा टाइप में क्या हो गया? चेक, गुड्स खरीद, गुड्स सेल किया और वो कस्टमर हमसे, हमको चेक देखे गया, मेरा नाम का या फिर मेरा शॉप का नाम का या फिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम का चेक देखे गया, तो मैंने क्या किया, वो चेक आपका बैंक, मेरा बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो गया, मेरे पास आ गया। और थर्ड जो तरीका है क्रेडिट, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब वो कस्टमर अगर मुझे लगा कि नहीं वो कस्टमर पैसा मुझे बाद में देगा, तो उसको मैं क्रेडिट में सेल कर सकता हूँ, वो भी वन टाइप, मतलब उस टाइप पे क्या हो गया, पैसा आ गया मेरे पास, सॉरी गुड्स मेरे से चला गया और पैसा वो बाद में देगा, ठीक है, उसको भी हम टेली में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर टेली में इसका एक सोल्यूशन मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने क्रेडिट सेल किया किसी को, ठीक है, और उसको लिमिट दिया कि भाई साहब आप 15 दिन के अंदर मेरा पैसा दे दो, अगर वो नहीं देता है तो उसके अंदर आप इंटरेस्ट लगा सकते हो, ठीक है ना, तो वो भी हम टेली में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर 15 दिन के अगर वो अंदर वो नहीं दिया तो वो उसका अंदर वो इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा कि 15 दिन बाद इतना इंटरेस्ट, पार्ट डे के हिसाब से लगा सकते हैं, कितना इंटरेस्ट आप 1 साल का लगा सकते हैं, सारा कैलकुलेशन टेली कर देगा। जब आप उसका पेमेंट देने जाओगे, पेमेंट वो देने आएगा तो दिखाएगा कि उसका नाम का इंटरेस्ट इतना ड्यू है, क्लियर। अभी अभी क्या हो जाएगा, अभी हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? अभी का तो टॉपिक है सेल्स रिटर्न, और हम लोग उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। मतलब किसी भी कस्टमर को हमने सेल किया, फिर उसने अगर वो रिटर्न कर दिया तो वो एंट्री हम कहाँ पे डालेंगे? सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। और टेली में उसको बोला जाता है क्रेडिट नोट,
ठीक है, वो टेली का अलग बात है, वो आप जब कराएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो उसे सेल्स रिटर्न ही मान के चलिए, अभी टेली का इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजेक्शन्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स क्या, मैंने बोला था कि डे बाई डे बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्सनल लाइफ का ही पकड़ लो, आपके पास बैंक पासबुक है, आप बैंक में कितना ट्रांजेक्शन करते हैं एक महीने का, वो दो तीन महीने बाद जाके हम लोग उसका अपडेट कराते हैं ना कि लास्ट महीना पैसा इस जगह पे क्या था, यूटिलाइज इस जगह पे क्या था, या फिर एटीएम से उठाया, फिर बैंक से उठाया, या फिर चेक डिपॉजिट किया, वो सारा कहाँ मिल जाता है, वो मेरा ट्रांजेक्शन का लिस्ट पे बैंक ट्रांजेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एज लाइक ट्रांजेक्शन भी बिजनेस का भी एक वो होता है, उसको लेके हम ट्रांजेक्शंस बिजनेस का एक्टिविटीज़ में क्या आता है, डे बाई डे एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन का क्या ज़रूरत है बिजनेस में, इसको लेके हम अभी एक आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जो अकाउंटिंग साइकिल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक तो होता है मैनुअल भैया, जिसे हम मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कॉपी पेन में हम लोग करते हैं, ठीक है, और दूसरे हो गए हमारे कंप्यूटराइज्ड भैया, जो हम लोग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, ठीक है, जैसे टेली वगैरह में हम लोग मेंटेन करते हैं, या फिर दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर व्यापार है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर उस पर हम मेंटेन कर सकते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है एंड कंप्यूटराइज्ड क्या है, इसको लेके हम लोग आज बात करेंगे, या फिर मैनुअल में हम लोग कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एंड कंप्यूटराइज्ड में हम लोग कैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको लेके हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसको पूछ के फिर बड़ा करके दिखाता हूँ, अच्छी तरह से देखिएगा। अभी हम मैनुअल भैया क्या है उनके बारे में जानेंगे, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एकदम सिंपल सिस्टम है, कोई भी कन्फ्यूजन का नहीं है। मैनुअल में सबसे पहले हम लोग के पास कौन आता है, ट्रांजैक्शन भैया, क्योंकि विदाउट एनी ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस में कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आगे पहले हम लोग पास ट्रांजैक्शन भैया, ट्रांजैक्शन के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, ट्रांजैक्शन आर दोज थिंग्स जो बिजनेस डे बाई डे बिजनेस एक्टिविटी में हम लोग करते हैं, जैसे कुछ परचेज किया, कुछ सेल्स किया, या फिर गुड्स रिटर्न किया, या फिर गुड्स रिटर्न मेरे पास आया, या फिर पैसा किसी कस्टमर से पैसा लिया, किसी कस्टमर के पास क्रेडिट में सेल किया, सारा को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो वो जो सारा ट्रांजेक्शन है उन सबको हम लोग एज पर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम उनको हम लोग कहाँ लेके चले जाते हैं, जर्नल भैया के पास, जिसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये जर्नल के पास हम लोग लेके गए सब कुछ, जर्नल वाउचर में हम लोगों ने एंट्री किया। जर्नल वाउचर कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम, एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैव ए ड्यूअल एस्पेक्ट, दैट मीन्स इफ वन ट्रांजेक्शन इज डेबिट अनदर मस्ट बी क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, ये याद रखना। मतलब कुछ भी हम लोग डेबिट करते हैं या फिर क्रेडिट करते हैं उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंड डबल एंट्री में डालना पड़ेगा विद द सेम अमाउंट, क्लियर। यह हो गया डबल एंट्री। फिर जर्नल भैया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, फिर वो किनके पास छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे लेजर भैया के पास। तो लेजर भैया क्या करते हैं, जितना भी तुमने डेबिट किया, क्रेडिट किया, कुछ भी किया, सब अकाउंट्स हेड को वो क्लासीफाई करके अलग 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 अकाउंट वो रेडी करते हैं। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का अकाउंट हम लोग बनाएंगे, जैसे कि बैंक का अलग अकाउंट बनाएंगे, कैश का अलग अकाउंट बनाएंगे, परचेस का अलग बनाएंगे, सेल्स का अलग बनाएंगे, किसी पार्टी का नाम का अलग बनाएंगे, और उनका रिलेटेड जो भी एंट्री है, अच्छी तरह से सुनना, उनका रिलेटेड जो भी एंट्री है वही उसी वाउचर में डालेंगे। जैसे कि सेल्स बनाया, सेल्स का जितना भी एंट्री है, सेल्स का रिलेटेड कैश हो, कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, वो वहाँ पे डाल देंगे। किसी पार्टी का बनाया, उस पार्टी का रिलेटेड जो भी एंट्री हो उस लेजर में डाल देंगे। किसी दूसरे का बनाया, कुछ एंट्री आया, उसका रिलेटेड जो भी एंट्री आया वो वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। वो कहाँ पे जो काम करते हैं, लेजर भैया के पास कहते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं सारे अकाउंट को अलग अलग, सबका अलग अलग बैलेंस निकाल देते हैं। फिर उसी बैलेंस को हम लेके किनके पास जाते हैं, ट्रायल बैलेंस भैया के पास।
जो बैलेंसिंग करता है दोनों साइड का, मतलब नाम तो है उनका ट्रायल बैलेंस, ठीक है, दोनों साइड का जितना भी लेजर का अमाउंट निकलेगा उन सबको लेके जाकर हम पुट करेंगे। लेकिन जब पुट करेंगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड उनका रहेगा वो सेम आना पड़ेगा, मतलब कोई भी डिफरेंस अगर यहाँ पे 1,000 आया तो इस साइड में भी 1,000 आना पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते, ऐड करके डायरेक्ट दोनों साइड का हम लोग के पास सेम आना पड़ेगा। अगर सेम नहीं आया वो अलग बात है, उसका एंट्री अलग है, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितना भी करेंगे जो भी करेंगे टेली में सारा मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री देना पड़ता है, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, वो अलग, वो थोड़ा अलग है, जो कॉमर्स के उनको शायद पता होगा, उनको बहुत आगे जाना पड़ता है उसके लिए, वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है, ये उन का ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन है मैं उनको जानिल भैया के पास लेके गया, वहाँ पर जाके मैंने इनका एंट्री चढ़ाई है, एक को डेबिट किया है, एक को क्रेडिट किया है, एवरी ट्रांजेक्शन को मैंने डेबिट क्रेडिट किया है, ठीक है, विद द सेम अमाउंट। फिर मैं उनको लेके आ गया लेजर भैया के पास, लेजर भैया के पास आने के बाद मैंने सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट रेडी कर दिया, जैसे कैश का अलग, बैंक का अलग, सबका अलग 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 कर दिया। फिर मैं उसी सारा जितना भी सबका अलग अलग बैलेंस निकला मैं उनको लेके जाके ट्रायल बैलेंस भैया के पास दिया, उन्होंने अपना अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट बिठाया, बिठाने के बाद ये टोटल जो आया है दोनों साइड का सेम आना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जर्नल में गलती हुआ है, लेजर में पोस्टिंग में गलती हुआ है, यही तो ट्रायल बैलेंस भी गलती होगा। अगर मान लो कि ये सारा मेरा सही हो चुका है, फिर हम लोग चले जाएंगे इनको लेके ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, उसका पहले शॉर्टकट बताता हूँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट भैया के पास। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन है? द फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट इज ए कंसिस्ट ऑफ थ्री अकाउंट्स, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर ये सारा अकाउंट हम लोग कैसे बना सकते हैं? ट्रांजेक्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन को किन किन वाउचर होके जाना पड़ेगा? पहले जर्नल वाउचर भैया के पास उनका एंट्री चलानी पड़ेगी, फिर लेजर भैया के पास उनको एंट्री चलानी पड़ेगी, फिर ट्रायल बैलेंस में जाके उनको एंट्री चलानी पड़ेगी। तब तक अगर सब कुछ सही रहा फिर जाके हम लोग यहाँ जा सकते हैं, कौन सा वाउचर में जा सकते, सॉरी कौन सा अकाउंट बना सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्लियर। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है? इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट है ना, ये बिजनेस का एक ऐसा, क्या बोलते हैं, ऐसा अस्त्र है, उसे अस्त्र में बोलता हूँ, ऐसा अस्त्र है ये, या फिर ऐसा इक्विपमेंट है ये कि इसको लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक में लोन चाहिए, ये बोलेगा ये चाहिए आपको, ये देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस का अभी पोजीशन कितना है, इसको ये देख के, ये तीनों अकाउंट देख के बता सकता है। आपको बिजनेस को बंद करना है कि आगे लेके जाना है, ये बताएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, ये तीनों अल्टीमेट गोल हम लोगों का ये है, क्योंकि मैं अभी अकाउंटिंग का लैंग्वेज, अकाउंटिंग का डेफिनेशन मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूँ। इस पर अकाउंटिंग डेफिनेशन में क्या बोला गया था, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ, अच्छी तरह से सुनना, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ क्या था, सॉरी द टाइम, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ, पहले हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग मेरा, फिर आ गया क्या, समराइजिंग एंड क्लासीफाइंग, समराइज कर लिया यहाँ पे, फिर क्लासीफाई कर लिया यहाँ पे, ऑफ किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी बिजनेस के साथ रिलेटेड है उन सारे ट्रांजेक्शन को मैंने समराइज कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, ठीक है, एंड द रिजल्ट दे आर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी रिजल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लो, एज पर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग एंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेशन बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना, फिर से बता रहा हूँ, इस पर अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या बोला है, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, या फिर कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, अकाउंटिंग कैसे हम लोग करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई कर लिया, फिर रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर समराइज कर लिया, फिर जाके यहाँ पे जाके सिग्निफिकेंट मैनर में उसको पूरा चेक कर लिया, उसके बाद जाके जो बनता है
रिजल्ट्स जो आता है वो किस तरीके से आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, द फाइनल गोल और द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस अकाउंट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, ये अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम समझ नहीं पाओगे तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा है कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे। या फिर अगर तुम्हें बैंक से लोन लेना है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तुम्हारा बैंक लोन लेना है, कुछ भी करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये तीनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर ये तीनों अकाउंट बनाना है तो तुम्हें अकाउंटिंग जानना पड़ेगा। उससे भी बड़ा चीज़ क्या है, ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पुट करना है, जर्नल वाउचर पे। मैं बता रहा हूँ मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल जो हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा मैनुअल। अगर मैनुअल अच्छी तरह से सीख पाए तो कंप्यूटराइज आराम से कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझना। मैनुअल में क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल वाउचर पे ले जाएंगे, जर्नल से हम उनको लेजर में पुट करेंगे, लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अगर इतना तक ठीक ठाक रहा तो ट्रायल बैलेंस के बाद वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बन जाएगा। क्लियर? ओके, अभी हम कंप्यूटराइज्ड में चले जाते हैं। एज पर कंप्यूटराइज्ड क्या होता है, देखो अगर मैनुअल तुमने अच्छी तरह से कर लिया ना, कंप्यूटराइज्ड एकदम इजी है। कंप्यूटराइज्ड में तो सॉफ्टवेयर में काम होता है, इतना सारा कुछ करना नहीं है, हम लोगों को इजी हो जाता है। एज पर कंप्यूटराइज्ड क्या होता है मैं बताऊं, अगर हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना, तो मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड में अभी डिफरेंस पता चल जाए। कंप्यूटराइज्ड में हम लोग के पास ट्रांजेक्शन होता है, तो ट्रांजेक्शन मैनुअल में होता है, कंप्यूटराइज्ड में भी होता है। ट्रांजेक्शन हो गया, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ले जाएंगे लेजर भैया के पास। कहाँ पे मिलेगा, अकाउंट्स इन्फो लेजर, मतलब लेजर भैया के पास मुझे ये सारा, ये पहला जो ट्रांजेक्शन होगा मैं उनको लेजर भैया के पास पुट करूंगा। फिर लेजर भैया क्या, उसका बाद लेजर हम लोग अगर बना दिए तो उसको हम वाउचर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और भी है, मैनुअल कंप्यूटराइज्ड में क्या होता है, ट्रांजेक्शन के बाद तुम जर्नल भी कर सकते हो, सॉरी मैनुअल में ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल, उसके बाद लेजर। लेकिन एज पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अगर हम लोग ट्रांजेक्शन के बाद अगर हम लेजर नहीं चाहे ना, डायरेक्टली लेजर हम लोग यहाँ पे भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। जब धीरे धीरे तुम टेलीकॉम पर एक्सपर्ट होते जाओगे तो क्या होगा, तुम डायरेक्ट वाउचर एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। तो वाउचर एंट्री में जाने के बाद टेली ने क्या किया है, उनका सेपरेट वाउचर दे दिया है। जैसे कि अगर तुम्हें रिसीव करना है तो F6 में जाके करना है, वो रिसीव वाउचर अलग से बना दिया, पेमेंट वाउचर बना दिया, जर्नल वाउचर बना दिया, उसके बाद परचेज वाउचर बना दिया, सेल्स वाउचर बना दिया, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर बना दिया। तो इन सारे वाउचर को लेके हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि जैसे कि तुम्हें अगर कुछ भी रिसीव करना हो, बिजनेस में पैसा रिसीव हो रहा है, हम लोग उसको जाके रिसीव वाउचर में डाल देंगे, ठीक है, ये वाउचर एंट्री हो रहा है। फिर अगर हम लोग को परचेज करना है तो उसके लिए हम उसको परचेज वाउचर F9 में जाके डाल देंगे। अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर में हम लोग उसको पुट कर सकते हैं। अगर सेल्स करना है तो सेल्स वाउचर में जाके हम उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्ट्रा मतलब कैश और बैंक रिलेटेड अगर कुछ भी एंट्री होगा तो हम उसे कॉन्ट्रा वाउचर में डाल देंगे। तो हम लोगों को मैनुअल कंप्यूटराइज्ड में करने में कुछ डिफिकल्टीज आता है कि जो वाउचर में आ रहा है उसी वाउचर में जाके डालना पड़ेगा, दूसरा वाउचर में उसका एंट्री नहीं होगा। अगर तुम्हारा परचेस का वाउचर परचेस में एंट्री हो रहा है तो तुम अगर उसमें सेल पे डालोगे तो एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि परचेस का साथ परचेस में ही लेगा, सेल्स वाला सेल्स में ही लेगा, पेमेंट वाला पेमेंट में ही लेगा, रिसीप वाला रिसीप में ही लेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा टाइप ऑफ एंट्री भी हमें मिलेगा जो कोई भी वाउचर में नहीं हो रहा है, उसे हम जर्नल वाउचर में डाल सकते हैं, और कुछ भी एडजस्टमेंट का एंट्री होगा उसे हम जर्नल वाउचर में डाल सकते हैं। इसके लिए जर्नल वाउचर बनाया गया है जिसको हम डस्टबिन वाउचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर वाउचर तक हमने अच्छी तरह से कर लिया ना तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो रिपोर्ट सिर्फ हम लोग को देखना पड़ेगा, वो बनाने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बना रहता है। अगर हम लोगों ने सब कुछ सही किया तो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट जो भी है ऑटोमेटिकली अमाउंट पुट हो जाएगा और बैलेंस शीट आपका शो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको, मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। ट्रांजेक्शन करने के बाद मैनुअल में ट्रांजेक्शन, उसके बाद लेजर में हम लोग उसको एंट्री करेंगे लेजर भैया के पास,
फिर वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर में भी बहुत सारा टाइप्स है, जैसे कि अगर रिसिप्ट का वाउचर होगा तो हम रिसिप्ट में डालेंगे, अगर पेमेंट का वाउचर होगा तो पेमेंट वाउचर में डालेंगे, उसके लिए हमको F5 प्रेस करना पड़ेगा, अगर परचेस का वाउचर है तो F9 प्रेस करना पड़ेगा, अगर परचेस रिलेटेड एंट्री हो तो परचेस में डालेंगे, सेल्स रिलेटेड एंट्री हो तो सेल्स में डालेंगे, दूसरा वाउचर में हम उनको डाल नहीं सकते। अगर ये यहाँ तक हम लोगों का सही रहा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जिनके लिए हम लोग भागते हैं, जिनको हमको अल्टीमेट गोल है हमको ये निकालना, अगर मैनुअल में अगर हम लोग इतना तक अच्छी तरह से कर लेते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक निकल जाता है, सीट जाके हम लोग को रिपोर्ट देखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आगे वीडियोज़ में हम लोग इसके रिलेटेड मैथ्स भी करेंगे। ओके, थैंक यू।